Asma! 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 हाथ मत छोड़ना, मैं हूँ, हाथ मत छोड़ना, मैं तुझे संभाल के उतर पकड़ के रखना। हाय रब्बा, उतर, डर जा। हाय रब्बा, ऐ क्यों आया? सबको लटकाने वाली आज खुद ही लटक गई। आसमा, आसमा ध्यान रख, उतर, उतर ध्यान से और आराम से। भाई शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अरमान जो है वो जैद को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि अरमान की मॉम जब बोलती है बेटा जैद को उसके मुल्क छोड़ आओ और यहाँ तो उसके मुल्क छोड़कर आओगे तो वो ज्यादा महफूज फील करेगा, लेकिन जैद जो है आसमा से प्यार करता है बहुत ज्यादा, उसके बिना रह नहीं सकता और यही बात अरमान समझाता हुआ भी दिखाई देता है। अरे जाओ जाओ, अपने पालनहार को संभालो, अगर उसे कुछ हो गया तो आप सबका क्या होगा? ये काम आपने किया? गुड बॉय, गुड बॉय, हाई फाइव। अच्छा चलो, आप यहीं रुको, मैं भी आती हूँ, ओके? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर आसमा कहती है अपनी सासू माँ से कि माँ कि मैं अरमान और अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और मैं जरूर दूंगी। तो दूसरी तरफ जब ये बात आलिया को पता चलती है तो आलिया के तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आलिया जो है अपने बच्चे को मोहरा बनाना चाहती है, और अगर आसमा के बच्चे को वो सारी चीजें मिल गई जो आलिया के बच्चे को भी मिलनी चाहिए तो यहाँ पर आलिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब ऐसे में आलिया ने एक प्लान बनाया है कि मैं आसमा के साथ कुछ ऐसा कर दूं कि वो कभी माँ ही ना बन पाए, इसलिए वो उसकी जान जोखिम में डालती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी के नीचे आसमा होती है और गाड़ी को डाउन करती रहती है आलिया और कहती है बस अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा और तू यहीं के यहीं मर जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जैद को भी भड़काती है और कहती है जाओ अरमान को धक्का दे के आओ, इसने ही तुम्हारे अब्बू की जान ली थी ना, और यहाँ पर वो आसमा को धक्का दिलवा देती है। तो आने वाले एपिसोड में ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सवाल यही है कि क्या आसमा माँ बन पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।